बीते दो दिन से उत्तराखंड के हल्द्वानी की हर जगह चर्चा। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन खाली करवानी, जिस पर सालों से अतिक्रमण था। हाईकोर्ट का आदेश आया जिस पर कहा गया कि भाई आप ये जमीन खाली कराइए, मतलब कोर्ट का फैसला है, किसी सरकार का फैसला नहीं। लेकिन वहां पर महिलाएं सड़कों पर बैठ गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक टेंट लगा है, पूरी सड़क जो है वो घेर ली गई है, महिलाएं बैठी हुई हैं, बच्चे वहां। इलाके में भीड़ इकट्ठा हो गई है, सब कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलने देंगे। आपको हल्द्वानी की दो तस्वीरें दिखाता हूं। एक तरफ महिलाओं को आगे किया गया है, महिलाएं सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रही हैं। दूसरी तस्वीर में पुलिस प्रशासन के काम में बाधा डाली जा रही है। वहां पर पुरुष जो हैं वो पुलिस वालों को रोक रहे हैं, क्योंकि प्रशासन जो है वो कह रहा है कि हम तो बुलडोजर के साथ तैयार हैं, हम तो काम करेंगे। उन्होंने नोटिस भी दे दिया। एक बार वहां जो हंगामा हो रहा है वो दिखाइए, एक बार फुल फ्रेम, उसके बाद आगे। देखिए, हल्द्वानी का पैटर्न वही है जो पूरा देश पहले भी देख चुका है। आपको शाहीन बाग याद होगा, कुछ तस्वीरें आपको पुरानी दिखा रहा हूं याद दिलाना। इसी तरह से महिलाओं को आगे किया गया था शाहीन बाग में भी, इसी तरह से भीड़ जुटाई गई थी शाहीन बाग में भी। आपको जहांगीरपुरी का मामला भी याद होगा, जहां बुलडोजर को रोकने के लिए भीड़ जुटा ली गई थी, उसकी तस्वीर भी आपको याद दिला रहा हूं। अब हल्द्वानी में वही पैटर्न दिख रहा है, वही सब हो रहा है, फिर वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हर बार इस देश के अंदर कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के पहले एक सर्टिफिकेट बांटना पड़ता है कि नहीं बॉस, यहां तो हिंदुओं के लिए भी हो रहा है। जहांगीरपुरी में जब तक गुप्ता जूस कॉर्नर नहीं दिखा टूटता हुआ, तब तक नैरेटिव यही था कि मुसलमानों पर कार्रवाई। शाहीन बाग में समझाते समझाते लोग थक गए कि वहां पाकिस्तान से जो अल्पसंख्यक आएंगे हिंदू सिख, उनके लिए सीए का कानून है, एनआरसी नहीं आया बॉस, लेकिन तमाशा चलता है। अब हल्द्वानी में भी वही कहानी है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और मैंने आपको कल विस्तार से बताया कि वहां हिंदू मंदिर भी हैं भाई, इलाके में हिंदू भी रहते हैं। लेकिन हल्द्वानी में राजनीतिक पर्यटन शुरू हो गया, नेता पहुंचने लगे, अतिक्रमण करने वालों को पीड़ित बताया जाने लगा है, उनका धर्म गिनाया जाने लगा है। यहां तक कहा जाने लगा है कि चाहे जान चली जाए लेकिन ये जगह नहीं छोड़ेंगे। मतलब वही पैटर्न, वही टूलकिट आ गया है कि मर जाएंगे लेकिन जगह नहीं छोड़ेंगे वाला दिमाग में चीजें भरी जा रही। समाजवादी पार्टी से आज 10 नेता हल्द्वानी पहुंच गए बॉस। और यह भी देखिए कि समाजवादी पार्टी ने अपनी ये टीम मुस्लिम सांसद एसटी हसन की अगुवाई में भेजी। ये नेता वहां के लोगों से मिले, उनकी बातों को सुना, उन्हें पीड़ित बताया। जिस तरह से समाजवादी पार्टी इस मामले में एक्टिव है, जिस तरह से उसने मुस्लिम सांसद की अगुवाई में अपनी टीम भेजी, उससे साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी इस मामले में उन सभी दलों में सबसे आगे दिखना चाहती है जिनके सियासी समीकरण मुस्लिम वोट बैंक से बनते हैं। इसलिए बार बार हल्द्वानी के मामले में पीड़ितों का धर्म बताया जा रहा है। मिलने के लिए टीम भेजी तो उसमें भी मुस्लिम सांसद को आगे करके भेजा, जबकि हल्द्वानी का सच आपको हम पहले बता चुके हैं कि वहां पर रेलवे की जिस जमीन पर अतिक्रमण खाली करवाया जा रहा है वहां पर मुस्लिम भी है, वहां हिंदू भी। जो नेता हल्द्वानी पहुंच रहे हैं वो क्या कह रहे हैं उसे भी एक बार सुन लीजिए। एक नेता जो समाजवादी पार्टी के समर्थक खुद को बताते हैं, उनसे जब यह पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाली है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही मान लिया तो क्या करेंगे, तो इन्होंने कह दिया कि जान भले चली जाए लेकिन मकान ना जाए। सुनिए इस नेता को हल्द्वानी में किस तरह से लोगों को एक तरीके से उकसा रहे हैं। ये हाईकोर्ट बिना सोचे समझे, बिना सारी चीजों को देखे फैसला देती है। मैं समझता हूं जुडिशरी के इतिहास में यह भी एक बहुत ही गलत फैसला है और बड़ा ही काला दिन है जिस दिन यह फैसला दिया गया है। जहां लोग रह रहे हैं, ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, ये लोग हैं यहां पर। सुप्रीम कोर्ट भी हाईकोर्ट के फैसले को जो है ओके करती है। आप बहुत सीधा, मेरा अपना मानना यह है और मैं यही लोगों को कहूंगा भी कि चाहे जान चली जाए लेकिन ये जगह छोड़नी नहीं है, अन्यथा इस तरह से तो ये हर जगह जहां भी चाहेंगे बस्तियां उजाड़ते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 90% लोग एक धर्म विशेष के मुस्लिम समाज के रहते हैं, उन्हें उजाड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं बीजेपी की सत्ता और हिंदू मुस्लिम की राजनीति। आपने बात सुनी, वो कह रहे हैं यहाँ लोग रहते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं रहते।
इनको पहले तो कोई ये ज्ञान दे कि देश में जहां भी अतिक्रमण होता है वहां लोग ही रहते हैं, कीड़े मकोड़े अतिक्रमण करते भी नहीं। दूसरी बात, खुद मान रहे हैं कि 90% एक धर्म समुदाय के लोग हैं, तो 10% दूसरे धर्म के भी हैं, हिंदू भी हैं, ये मान रहे हैं ना, और खुद बता रहे हैं। और तीसरी बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर मन मुताबिक नहीं आया तो मर जाएंगे लेकिन ये जगह नहीं छोड़ेंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना ही नहीं है तो गए क्यों? अपने मन का आएगा तो सुप्रीम कोर्ट की सुन लेंगे, अपने मन का नहीं आएगा तो जगह नहीं छोड़ेंगे। तो फिर देश की कानून व्यवस्था में विश्वास क्या रहा? अखिलेश यादव हो या ओवैसी जैसे नेता हो, या हल्द्वानी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं बॉस? ये भी तो आपके मन में आ रहा होगा। ये ऐसे ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे, मैंने आपको कल दिखाया था ना, आपसे पूछा था ना कि क्या ये लोग चार लोग को भी अपने बड़े बड़े बंगलों में रखेंगे? नहीं रखेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस देश के अंदर सेना के बाद, डिफेंस सेक्टर के बाद और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है। धार्मिक काम मान लीजिए, इन लोगों को जगह दे दीजिए, वक्फ की जमीन दे दीजिए, इनको बसा दीजिए, लेकिन वक्फ एक इंच जमीन नहीं दे रहा, ये नेता एक इंच जमीन नहीं दे रहे, लेकिन इंटरेस्ट पूरा दिखा रहे हैं कि मेरा आप में बहुत इंटरेस्ट है। ये क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आपको पता है? इसके लिए आपको हल्द्वानी की स्थानीय राजनीति समझा देता हूं, दो मिनट में आपका दिमाग की बत्ती जल जाएगी। 2022 के चुनाव में हल्द्वानी सीट से समाजवादी पार्टी और AIMIM दोनों ने उम्मीदवार उतारा था बॉस, और दोनों ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था, और यह पहला मौका था जब AIMIM ने हल्द्वानी सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा था। मतलब दोनों को वहां वोट बैंक दिख रहा है बॉस, सीधी सी बात। हालांकि इन दोनों पार्टियों को बहुत कम वोट मिला था, लेकिन इनकी कोशिश हमेशा इस इलाके में पकड़ बनाने की रही, क्योंकि हल्द्वानी में अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम वोटर्स, इसीलिए मार मची है कि भैया मैं तुम्हारा मसीहा। और इसी वजह से ओवैसी ने उत्तराखंड की 70 सीटों में जो चार सीटें चुनाव लड़ने के लिए चुनी थी उसमें एक सीट हल्द्वानी की भी थी। 70 में से मात्र चार सीट पर ओवैसी लड़े, उनमें एक सीट हल्द्वानी की थी। आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों लड़ रहे थे, क्या उनका इंटरेस्ट है। हल्द्वानी सीट पर वोटों का समीकरण क्या है वो आपको बता देता हूं, आपको सब क्लियर हो जाएगा जिस हल्द्वानी की बात कर रहा हूं। हल्द्वानी वहां का आप वोट गणित समझ लीजिए, ये नेता क्या चाह रहे हैं समझ में आ जाएगा। कुल वोटर कितना है वहां पर? कुल वोटर वहां पर 1,00,000, करीब करीब 50,000, 1,50,000 के आसपास। और इसमें मुस्लिम वोटर कितना है? इसमें मुस्लिम वोटर जो है वो करीब 43,000 प्लस है। बस इनको ये दिख रहा है कि इतना बड़ा वोट बैंक है यहां पर। देश का कानून क्या भाई? ओवैसी तो बैरिस्टर हैं, कोर्ट क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, कानूनी प्रक्रिया कह रही है नहीं, ये लोग सालों से रह रहे हैं इसलिए रहने दीजिए। अरे ये कोई कानून है? इस देश में नॉर्मल अतिक्रमण या लोग एक दूसरे की जमीन कब्जा लेते हैं वो भी कोर्ट में केस लड़ते लड़ते सालों के बाद फैसला आता है, तो वो कहते हैं कि भाई हम सालों बाद फैसला आ रहा है, हम तो सालों से यहां रह रहे हैं, फिर तो कोई केस ही मत लड़िए, फिर खत्म कर दीजिए केस लड़ने का प्रावधान। हर केस जो जमीन अतिक्रमण, घर अतिक्रमण, मेरे घर पे कब्जा, मेरे जमीन पे कब्जा, ये सालों साल चलता है बॉस, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे कोर्ट में। तो क्या करें, सालों का हिसाब रखकर कह दें कि ठीक है जिसने कब्जाया उसका हो गया। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से हल्द्वानी में चार बार चुनाव हो चुके, इसी हल्द्वानी का आपको बता रहा हूं, चार चुनाव हुए उत्तराखंड बनने के बाद, उसमें से तीन बार कांग्रेस यहां से जीती। आपको कांग्रेस का हिसाब बता रहा हूं, कल आपको बताया था ना कोर्ट ने क्या कहा था कि जो मौजूदा उस वक्त की सरकार थी उसने अतिक्रमण होने में मदद नहीं, अतिक्रमण हटाने में मदद नहीं। मौजूदा विधायक कांग्रेस का, ये सब का गणित आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इनका इंटरेस्ट पब्लिक में है और कितना इंटरेस्ट पब्लिक के वोट में। और इसलिए कांग्रेस भी अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रही। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आज एक घंटे का मौन व्रत रख लिया। हरीश रावत का कहना है कि लोगों की समस्या का समाधान बुलडोजर नहीं है, एक बार सुनिए उनको। हम आध्यात्मिक प्रदेश हैं और हमारे प्रदेश में यदि 50,000-55,000 लोग, जिसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, इस ठंड में सड़कों पर आएंगे, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, तो ये बहुत बहुत ही दुखद
होगा, बहुत ही अत्यधिक दुखद होगा। लेकिन बॉस ये बात तो तब सोचनी चाहिए थी ना जब इन लोगों को अतिक्रमण करने दिया गया था, इनको वहां बसने दिया गया था। इन लोगों की कोई गलती नहीं है भाई, इन महिलाओं, इन बच्चों, इन बुजुर्गों के साथ तो हमदर्दी सबकी है। दिक्कत बस इतनी है कि अगर इनको आप कहेंगे कि भाई ठीक है आप रह लीजिए, फिर रेलवे की इतनी जमीन, दूसरी सारी जमीनें जहां जहां अतिक्रमण होगा लोग कहेंगे हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ महिलाएं नहीं है, हमारे यहाँ बच्चे नहीं है, हम सालों से नहीं रह रहे, फिर खत्म कर दीजिए मामला। और इन लोगों की गलती क्या, ये तो आके रह रहे थे। रोकने का काम तो सरकारों का था, नेताओं का था, अधिकारियों का था, क्यों नहीं रोका? कांग्रेस पर ही तो आरोप लग रहे हैं ना कि उनके राज में अतिक्रमण वाली जगह पर सुविधाएं दी गई, उनके राज में ही अवैध कब्जे को कानूनी रूप देने की कोशिश की गई और लोगों को भ्रम में रखा गया। लोगों को क्या बुरा लग रहा है भाई? ये तो वही बात हो गई, दो दोस्त हैं, दूसरा लाला के सिगरेट पिला रहा है, सामने वाले का फेफड़ा जल रहा है, उसका फेफड़ा खत्म हो रहा है, उसको थोड़ा ही समझ में आ रहा है, उसको तो लग रहा है मेरा दोस्त मुझे सिगरेट लाके दे रहा है, यही मेरा इलाज भी कराएगा। आज जब फेफड़ा चला गया, जिंदगी और मौत की बात आ गई, तब दोस्त कह रहा है कि अरे ये तो गलत बात हो गई, अरे तुमने क्यों नहीं रोका, इतने बड़े दोस्त थे तो। अब लोगों को पीड़ित बताया जा रहा है, दूसरे दल भी इसमें साथ दे रहे हैं। मायावती ने ट्वीट कर दिया कि उत्तराखंड स्टेट के हल्द्वानी में बर्फीले मौसम में ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीब व मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति दुखद है। सरकार का काम लोगों को बसाना है न कि उजाड़ना, सरकार इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाए, बीएसपी की यही मांग है। इनको ठंड का मौसम दिख रहा है तो क्या करें, गर्मी में हटाएं? और आप देखिए जिन नेताओं और जिन पार्टियों का उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं, वो भी इसमें राजनीति कर रहे क्योंकि उनको इसमें धर्म दिख रहा है या दिखाना है। जैसे महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर मुसलमानों को बेघर कर रही है, एक बार उनको भी सुन लीजिए। ये जो हल्द्वानी उत्तराखंड में क्या किया इन लोगों ने कि हजारों जो है लोगों को, जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनके घर डिमोलिश करना चाहते हैं, उनके उनको घर से बेघर करना चाहते हैं, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत बढ़ा के ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। मैं इस देश के हर मुसलमान भाई से कहता हूँ, हर मुस्लिम बहन से कहता हूँ, ये जितने नेता आप लोगों को घुमाते हैं ना कि इस देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, इनमें से किसी से भी पूछ कर देखिए कि क्या ये वक्फ के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप महिलाओं बच्चों के लिए बहुत दर्द है, और वक्फ जिसके पास इतनी जमीन है कि वहां ये सारे लोग एक एक के लिए भी एक एक बंगला बनाएंगे तो सबको बंगला दे सकते हैं, वो वक्फ इतनी रत्ती भर की जमीन देगा इनको? ये पूछिए इन नेताओं से। और महबूबा मुफ्ती ये नैरेटिव बना रही है कि मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है। सच क्या है, उस इलाके में हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं, वहां मस्जिद भी है, मंदिर भी है। मैं आपको हल्द्वानी के उस इलाके से एक रिपोर्ट दिखाता हूं, यहां मंदिर में लोग प्रार्थना कर रहे हैं अतिक्रमण की कार्रवाई से सबके घर बच जाएं, ये मंदिर में प्रार्थना चल रही है, सुनिए एक बार देखिए उसको। हम मौजूद हैं वन भूलपुरा इलाके में, जहां पर मकान तोड़ने की कार्रवाई के लिए 10 तारीख का निर्देश दिया गया, और यह बता दूं ये कोई ऐसा इलाका नहीं है, एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई हो रही है। यहाँ सर समाज के लोग निवास करते हैं और लगातार परेशानी का सबब है जो वर्षों से रह रहे हैं, उनके लिए एक अपना घर छोड़कर जाना काफी परेशान भरा हो सकता है, और वो मान भी रहे हैं और लगातार मंदिर में पूजा अर्चना भी चल रही है। आइए आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कैसे देखती हैं आज जो ये कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से? हमारा घर बच जाए करके मांगा है, सबका बचे, हिंदू क्या मुसलमान का सबका बचना चाहिए जी, क्योंकि सब सभी की सबका ही है, बेचारों ने सबने एक एक पैसा जोड़ के बनाया है, तो वो जाएंगे कहाँ, कोई भी हो। हिंदू मंदिर भी देख लिया आपने, हिंदू महिला भी देख ली, वो हिंदू महिला अंदर जाके प्रार्थना भी कर रही है कि उनका भी घर बच जाए, तो जब टूटेगा तो ये मंदिर नहीं टूटेगा, इन मैडम का घर नहीं टूटेगा क्या? लेकिन सिर्फ वो हिंदू हैं इसलिए देश के हिंदू खड़े हो जाएं कि नहीं वहां पर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने दो, ये हिंदू हैं? अरे हिंदू करे मुसलमान करे, धर्म की बात क्या भाई, कानून तोड़ने की बात है, हाईकोर्ट के फैसले की बात है। और जो लोग हल्द्वानी के मामले को धर्म से जोड़ रहे हैं और दूसरा कुछ उन्हें नजर नहीं आ रहा, क्या उन्हें यह समझ में नहीं आता कि उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण का खतरा कितना बड़ा है? आप सभी को यह समझना चाहिए कि उत्तराखंड बॉर्डर स्टेट है बॉस, जिसके जिलों की सीमाएं चीन और नेपाल से लगती हैं। आपको उत्तराखंड का एक मैप दिखाता हूं,
जिनको समझ में नहीं आ रहा कि मामला कितना सेंसिटिव है, उनको जरा ये मामला दिखाता हूं। ये उत्तराखंड का मैप है बॉस, ये आप देख रहे हैं। इसमें आप एक तरफ देखिए, ये एक तरफ यहां चाइना है, बॉर्डर स्टेट है, दूसरी तरफ नेपाल है, और जिस नैनीताल जिले में यह हल्द्वानी आता है वो यहां पर है, बिल्कुल बॉर्डर के पास में। अब आप बताइए, जिस जगह पर अतिक्रमण की बात कही जा रही, ठीक है मान लीजिए 98% 99% लोग जो हैं वो जेन्युइन है, लेकिन जिस जमीन के कागजात उनके पास नहीं है, उनका वोटर आईडी, उनका आधार कार्ड, ये सब कैसे बन गया बॉस? आप वोटर आईडी बनवाते हैं, आप आधार बनवाते हैं, अपने घर का प्रूफ देते हैं ना, कागज दिखाते हैं ना कि भाई मेरे पास घर का प्रूफ है, उनका कैसे बन गया? और अगर मान लीजिए 1% कह रहा हूं कि कोई इधर से आए, कोई इधर से आए, और वो अतिक्रमण की जगह पर इन अपने भारतीय लोगों के साथ मिलकर रहने लग जाए, वहां माहौल खराब करने की कोशिश करे, क्या ये खतरा नहीं है? और ये हम नहीं कह रहे हैं बॉस, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमारे अपने मन की बात नहीं है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इसको कह रहे हैं, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, चीन बॉर्डर से जुड़े हुए। अवैध अतिक्रमण में पता नहीं होता कि कौन आदमी कहां का है, बॉर्डर स्टेट होने की वजह से खतरा ज्यादा रहता है, कहीं अगर डेमोग्राफी बदल रही है तो सरकारें अलर्ट हो जाती हैं। पिछले साल ही उत्तराखंड सरकार ने माना था कि उत्तराखंड में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है और इसकी वजह से एक समुदाय को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, ये उत्तराखंड की सरकार ने माना था भाई। पिछले साल उत्तराखंड सरकार ने पुलिस और प्रशासन को यह आदेश दिया था कि वो देखें कि उनके जिले में कहीं अवैध रूप से जमीन की डील तो नहीं हो रही, कहीं लोग डर की वजह से या दबाव में अपनी जमीन तो नहीं बेच रहे, कहीं बाहरी लोग जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो तो नहीं आकर बस रहे। पुलिस को पीस कमेटी की बैठकें बढ़ाने के लिए कहा गया, यह भी आदेश दिया गया कि वो इन इलाकों को चिन्हित करें जहां अपराध ज्यादा बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से ऐसे लोगों की लिस्ट बनाने के लिए कहा गया जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ऐसे लोगों के पेशा और डोमिसाइल स्टेटस से जुड़े कागज चेक करने के लिए भी कहा गया। उत्तराखंड सरकार ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा था कि राज्य के कुछ जिलों में अप्रत्याशित रूप से आबादी बढ़ी है, कुछ इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है, जिस वजह से एक समुदाय के लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं और इससे सामाजिक सौहार्द के बिगड़ने की आशंका है। यह उत्तराखंड की सरकार ने कहा है, बड़े स्तर पर पलायन की एक वजह डेमोग्राफी में बदलाव भी हो सकता है। यहां एक और आंकड़ा आपको बताता हूं, प्यू रिसर्च के मुताबिक उत्तराखंड में जो आंकड़ा आपको बता रहा हूं उसको देखिए जरा, यह बड़ी संस्था है प्यू रिसर्च, इसका आंकड़ा है कि 2001 से 2011 के बीच, यह उत्तराखंड का बता रहा हूं, उत्तराखंड, यहां हिंदू आबादी इन 10 सालों में 2% घटी है, क्योंकि 2011 के बाद जो है जनगणना हुई नहीं तो उसका आंकड़ा नहीं है, तो ये 2001 से 2011 का बता रहा हूं। और मुस्लिम आबादी जो है वो 2% बढ़ी है। ये आज से 11-12 साल पहले का आंकड़ा है, क्योंकि 2011 का आंकड़ा है, 2001 से 2011 के, अभी की स्थिति क्या है आप अंदाजा लगा सकते। उत्तराखंड में 4 ऐसे जिले हैं जहां पर खास तौर पर डेमोग्राफी तेजी से बदलने के दावे किए जाते हैं। इनमें एक है देहरादून, जहां डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदली है। दूसरा है हरिद्वार, जहां कहा जाता है कि जनसंख्या जो है वो बहुत तेजी से, हरिद्वार उसका संतुलन असंतुलित हुआ है। नैनीताल, जिसमें हल्द्वानी भी आता है, नैनीताल जिला है उसी में हल्द्वानी आता है। और चौथा है उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर। इन चारों के लिए कहा जाता है कि डेमोग्राफी यहां बहुत तेजी से बदली। एक बात और लोगों को हैरान करती है कि उत्तराखंड में इतनी बड़ी संख्या में वोटर कैसे बढ़ रहे हैं। 2022 में यूपी उत्तराखंड के साथ जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ था उसमें 2012 से 2022 के बीच सबसे ज्यादा वोटर उत्तराखंड में बढ़े। आपको यकीन नहीं होगा यह आंकड़ा देखकर, 2012 से 2022 वोटर बढ़े, इसका आंकड़ा आपको बता रहा हूं, जिन 5 राज्यों में पिछले साल चुनाव। पंजाब में वोटर कितने बढ़े आपको पता है?
पंजाब में 21% बढ़े वोटर, 21%। यूपी में वोटर कितना बढ़ा, 18% ऊपर गया इन 10 साल, 10 साल में 18% वोटर बढ़ा। मणिपुर में चुनाव था, उसी मणिपुर में वोटर कितना बढ़ा आपको पता है, 14% बढ़ा, 14% अप गया। गोवा में चुनाव था, गोवा में कितना बढ़ा, 13% बढ़ा। अब आपको जो आंकड़ा बताता हूं वो जरा ध्यान से सुनिएगा। उत्तराखंड, इस उत्तराखंड में इन 10 सालों में 2012 से 2022 के बीच में जो वोटर की संख्या बढ़ी वो 30% बढ़ी बॉस, देख रहे हैं आप। और इसीलिए एक्सपर्ट चिंता जता रहे हैं कि ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में, 30% वोटर्स की संख्या बढ़ गई 10 साल के अंदर, जबकि यूपी जैसे बड़े राज्य में 18%, पंजाब में 21%, कहीं 20% 21% से ज्यादा नहीं है। उत्तराखंड में सीधा 30% वोटर बढ़ गया 10 साल। और उत्तराखंड में जिन जिलों में सबसे ज्यादा वोटर बढ़े उन जिलों को अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोटर कहां बढ़े उत्तराखंड में, वोटर बढ़े उत्तराखंड में, ये आपको उत्तराखंड का बता, देखिए किन जगहों पर बढ़े। उधम सिंह नगर, जिन चार जिलों का आपको बता रहा था अभी नाम, जिनके लिए कहा गया कि डेमोग्राफी बहुत तेजी से चेंज हुई है, वहां वोटर कितने बढ़े, 43% बढ़ गए, 43%। देहरादून एक और जिला जिसके बारे में आपको कहा कि वहां की डेमोग्राफी बदलने को लेकर चिंता है, वहां 41% वोटर बढ़ गए 10 साल में, 41%। नैनीताल, यहां पर 32% वोटर बढ़ गए, इसी नैनीताल में हल्द्वानी आता है। ये वही जिले हैं जिनके बारे में कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि वहां पर डेमोग्राफी काफी तेजी से बदलने के दावे किए जाते हैं और सरकार चिंतित है। अब सवाल यह कि जिस उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ वहां वोटर कैसे बढ़ रहे हैं बॉस, सवाल तो यह है ना, जिस राज्य को लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई दूसरे जगह से लोग आए और यहां उत्तराखंड में बस, पर सवाल तो यह है बॉस कि यहां पर उत्तराखंड में आपने ओवरऑल देखा 30% वोटर बढ़ गया है, जिलों का बता रहा हूं वहां 40% बढ़ गया है, और उत्तराखंड में पलायन का आंकड़ा क्या है आपको पता है, पलायन मतलब जो लोग राज्य छोड़कर जा रहे हैं। एक आरटीआई से पता चला कि उत्तराखंड 10 साल में 5 लाख लोग पलायन कर गए, और इसमें भी 1 लाख से ज्यादा लोग हमेशा के लिए उत्तराखंड छोड़कर चले गए, और 3,83,000 लोगों का काम की तलाश में उत्तराखंड से पलायन हुआ। 3,946 गांव ऐसे हैं जहां पूरा गांव पलायन कर गया, जिसे घोस्ट विलेज कहते हैं। 3,946 गांव, इनको घोस्ट विलेज कहते हैं, मतलब जहां पर कोई नहीं रहे। तो अब मुझे यह बताइए कि जिस उत्तराखंड को वहां के स्थानीय लोग 5-5 लाख लोग छोड़कर चले जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है यहां पर काम से के लिए जो है अच्छा माहौल नहीं है या विकल्प नहीं है, दूसरी जगह चला जाए, वहां क्या बाहर से आके लोग जो है वो इसलिए बस जा रहे हैं कि अरे उत्तराखंड कमाल का है और इतनी बड़ी संख्या में आके बस जा रहे हैं कि वहां पर वोटर प्रतिशत जो है 10 साल में 30% बढ़ जाए, इसलिए सरकार वहां चिंतित है, वहां एक्सपर्ट्स चिंतित है, ये डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है या डेमोग्राफी में चेंज किया जा रहा है पॉलिटिक्स के। और इसलिए मैंने कहा कि जो हो रहा है वो एक बड़ा विषय है जिसपे सिर्फ हल्द्वानी के लिहाज से नहीं बड़े स्तर पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और नेता क्या कर रहा है।